हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ कैड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सरफेस का एक कमांड है, रोल्ड सरफेस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कैसे यूज करते हैं। मैं यहाँ एक प्लेन ले लेता हूँ सबसे पहले, सिंपल सा। इसका जो यूज है, किस कंडीशन में होता है, कहाँ होता है, वो चीज़ मैं दिखाऊंगा आपको। इस तरह से कुछ भी, मैं यहाँ एक आर्क ड्रॉ कर लिया। आर्क ड्रॉ करने के बाद मैं क्या करूँगा, इस पे एक प्लेन ले लूँगा, ठीक है, रेफरेंस प्लेन ले लेंगे। रेफरेंस प्लेन लेने के लिए मैंने इस पे क्लिक किया और दूसरा रेफरेंस सेकंड ये आर्क ले लिया, ओके कर दिया। देखिए प्लेन क्रिएट हो गया आपका। इस प्लेन पे हम स्केच करते हैं, यहाँ भी एक ही आर्क क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने एक आर्क बना दिया, ओके किया। आपको स्वीप कमांड पता है, स्वीप सरफेस लिया, सिलेक्ट हो गया प्रोफाइल में, ये मैंने इसको स्वीप कर दिया, ठीक, ओके। देखिए मैंने इस साइड में थोड़ा सा डिफरेंस है और इस साइड में डिफरेंस ले रखा है अभी, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ओके। तो चलते हैं रोल्ड सरफेस पे। रोल्ड सरफेस में देखिए यहाँ टेंजेंट, नॉर्मल टू सरफेस, टेपर टू वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर, और फिफ्थ वाला स्वीप है, क्योंकि आपने स्वीप यूज कर लिया अभी, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले नॉर्मल पे चलते हैं, एज सिलेक्ट करते हैं। इसमें क्या है, एज तो हम ऑलरेडी पहले भी सिलेक्ट करते थे, लेकिन ये जैसे जिस प्रोफाइल में एज है उसी तरह से ये भी आपका बढ़ेगा। मैंने ये एज सिलेक्ट किया, ये एज सिलेक्ट किया मैंने। देखिए अभी 60 बहुत ज़्यादा है, कम कर लेते हैं, ये एक्सटेंड हो रहा। जो भी आप एज सिलेक्ट करेंगे, जिस तरह से है टेंजेंट टू सरफेस, ये टेंजेंट लेके कर रहा है, इसलिए टेंजेंट के साथ आपका एज टेंजेंट के साथ सीधा ड्रॉ हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है नॉर्मल टू सरफेस। नॉर्मल टू सरफेस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, इनसाइड आउटसाइड कर सकते हैं ये। अब आप देखेंगे जो भी एज आपने सिलेक्ट किया था परपेंडिकुलर होगा, ये भी मैं एज सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपको थोड़ा सा दिखेगा, ठीक है। उसके बाद टेपर टू वेक्टर, नेक्स्ट है टेपर टू वेक्टर, ये वेक्टर हो गया आपका, इसे टेपर बोल रहा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्लेन सिलेक्ट करना पड़ेगा, और वो प्लेन यहाँ जैसे आपने टॉप लिया था वो फ्रंट प्लेन पे आएगा, ठीक है। ये इस तरह से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया हमने, और जो
देखकर अभी दिखाते हैं आपको। अब ये देखिएगा परपेंडिकुलर वेक्टर, ये परपेंडिकुलर बन गया वेक्टर, ठीक है। अब सेकेंड है टेपर वेक्टर, देखते हैं एक बार। ये टेपर वेक्टर अभी आप देख सकते हैं, टेपर वेक्टर अभी आपका फ्लिप है, ठीक है। ये यहाँ कम है, ठीक है, और इस साइड में टेपर होके एक्सटेंड हो रहा है, टेपर टू वेक्टर, ये परपेंडिकुलर उसके बाद है। आपने परपेंडिकुलर वेक्टर देख लिया, ठीक, स्वीप आपका वही था। बाकी अब यहाँ आते हैं डिस्टेंस, आप डायरेक्शन दे सकते हो, डिस्टेंस यहाँ डिस्टेंस दे सकते हो, फ्लिप डायरेक्शन और इनसाइड अपोजिट डायरेक्शन। ये हमने प्लेन सिलेक्ट किया था वेक्टर के लिए, ठीक है। एज सिलेक्ट किया है, अल्टरनेट एज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कोई जो अपोजिट जाएगा। अब जैसे अल्टरनेट एज में मैं इसको ये वाली एज को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये डिलीट कर दिया। ओके, ये अल्टरनेट यूज मैंने इसको सिलेक्ट किया, इस पे अल्टरनेट पे क्लिक किया, देखिए और सारे आउटसाइड जा रहे हैं, बाहर में जा रहे हैं, लेकिन ये इनसाइड जा रहा है, ये ठीक है। ऑपरेशन ट्रिम एंड नेट एंड कनेक्टिंग सरफेस, ये टिक किया है हमने, ठीक है। अब मैं इसमें ओके कर देता हूँ, देखिएगा ये इस तरह से आपका यूज होता है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।